मारा है विजय खेमका का बॉडीगार्ड। सही बोला सर, मारा है दिखाने पर, इंसानियत वाला बात बोला तभी मारा। पीएम के मन की बात सुनाने गए विधायक से लोगों ने अपनी मन की बात सुनाई तो बॉडीगार्ड ने मारा थप्पड़, विधायक ने भी महादलितों को किया गाली गलौज। इस वक्त की बड़ी खबर पूर्णिया से आई है जहां विधायक विजय खेमका गुलाबबाग के सिनेमा रोड स्थित महादलित टोला में पीएम के मन की बात सुनाने गए थे। पीएम की मन की बात जब ही खत्म हुई कि लोगों ने विधायक से अपनी मन की बात बताई तो विधायक के बॉडीगार्ड ने अनिल राम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अनिल राम का आरोप है कि विधायक ने भी गाली गलौज किया है, जिस पर लोग आक्रोशित हुए तो विधायक मौके से फरार हो गया और मीडिया ने विधायक से मारपीट का सवाल किया तो विधायक घटना से इनकार कर रहा है। अभी हमको मारा है विजय खेमका का बॉडीगार्ड। सही बोला सर, मारा है दिखाने पर, इंसानियत वाला बात बोला तभी मारा है हमको, झूठ मूठ मारा है, इंसानियत पे हमको मारा है ना विजय खेमका का बॉडीगार्ड। आगे आगे खड़े हैं, इंसानियत पर दिखाने के वजह से हमको कलर पकड़ के मारा है ना विजय खेमका ने। दिखाए यहाँ पे मन को साझा करने आए, हमने दिखाए और विजय खेमका का आदमी हमको मारा है यहाँ पर, और विधायक का आदमी बॉडीगार्ड भी मारा हमको। जैसे दिखाने के लिए आए कि कैसे कोरोना काल में लोग रहते हैं तो उनको हमको देख लीजिए यहाँ पर किस तरह लोग विजय खेमका ने मन की साझा करने के बजाय आए यहाँ पर, उनको बताया गया कि लोग किस तरह यहाँ पे बस विजय खेमका मारा हमको। ये यहाँ पे मेला ग्राउंड में आज कुछ लोगों का ये कहना था कि जो विधायक जी उनके साथ मारपीट किए, उनका गार्ड जो है वो मारपीट किया, क्या मामला है? कोई ऐसी बात नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की मन की बात थी, उसे वो कार्यक्रम पूरे जिला में, पूरे विधानसभा के लगभग जगहों पर जो है ये कार्यक्रम आज मनाया गया। उसी के तहत जो गुलाबबाग महादलित टोला है पुराना सिनेमा हॉल के बगल में, मास्क बांटने का भी काम किया, जागरूक करने का भी काम किया हमारे कार्यकर्ता, और वैक्सीन सारे लोग लगाएं ये भी कहें। उसी में क्रम में कार्यक्रम समाप्त के बाद जो है एक कोई वहाँ स्थानीय था, वो जो है विघ्न डाल रहा था कार्यक्रम में और स्थानीय समस्या के विषय में बता रहा था, मैंने उसको भी सुना। और हमारी जो महिला बहन थी कुछ राशन कार्ड के विषय में बता रही थी, उनकी बातों को मैंने सुना कि आप लोगों की समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, इसलिए करके एक महीने में 2 राशन फ्री लोगों को मिल रहा है। तो कुछ कठिनाई रहती है, लोगों की अपेक्षा रहती है, सारे मेरे ही मतदाता हैं। और एक ने कहा कि आपको बगल में जो बस्ती है थोड़ा वहाँ भी देख लीजिए, पानी उनी लगा हुआ है, नाला उला। हमने कहा कि चलो हम देख लेते हैं। और एक लड़का कुछ ज़्यादा बोल रहा था तो कुछ वहाँ के स्थानीय लोग उसको डांट भी रहे थे, विधायक जी तो स्वयं जा रहे हैं देखने के लिए। और देख करके और उन लोगों को मैंने आश्वस्त किया कि जो भी स्थानीय कठिनाई होगी, जो कठिनाई है उसको हम लोग दूर करेंगे, लेकिन आप वैक्सीन लगाइए, आप मास्क लगाइए, साबुन से हाथ धोइए, कोरोना से सावधान रहिए, और मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने कही है उसको हम लोगों ने सुना है। उन्होंने भी कहा है कि कोरोना से बचने के लिए दवाई भी और कड़ाई भी, तो इन चीज़ों का पालन कीजिए। और उसके बाद मुझे आज एक अन्य जो महादलित टोला है, भोगा भरगामा भोगा करियात पंचायत का रजक टोला है छतिया के नज़दीक, वहाँ पर वैक्सीनेशन केंद्र का कार्यक्रम था, वहाँ लोगों को जागरूक करना था, वहाँ पर मैं जा कर के उन लोगों को घर घर जागरूक किया। 45+ के लोग जो ये केंद्र है इस पर आप वैक्सीन लीजिए, इसलिए कि वहाँ मेरे सामने में किसी भी प्रकार की कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई, कोई प्रकार की बात नहीं।